नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त। आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे एक और नए करियर के बारे में, जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हमने करियर के लिए चूज़ किया है, स्पेशली दोज हु आर फ्रॉम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से लोग आते हैं और जिनको ये कोर्स करना चाहते हैं, उसके बारे में आज हमने कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक लाने का और आप तक देने का डिसाइड किया है। आज का जो डिस्कशन है कि हम CMA कोर्स के लिए कैसे एनरोलमेंट करें और कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ पे एनरोलमेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो आज का टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है CMA कोर्स एनरोलमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों का मेरा नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन लेंगे CMA कोर्स के बारे में। पिछले कुछ दिनों से हम CMA कोर्स का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जहाँ पे हमने देखा कि लेवल्स क्या हैं, स्टेजेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो आज कुछ अलग पॉइंट के साथ हम यहाँ पे आए हुए हैं और देखेंगे आज के इस वीडियो में, अगर CMA कोर्स के लिए एनरोलमेंट करना है, एनरोल करना है, तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या प्रोसीजर है एनरोलमेंट की। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे CMA कोर्स के एनरोलमेंट और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, जिन्होंने अभी तक ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, उनके लिए मेरा दरख्वास्त है, ये है मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एकेडमिक इनसाइट। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि और साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपने आप मिलते रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस रिक्वेस्ट के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम गवाएं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर हमें CMA एनरोलमेंट करना है तो क्या प्रोसीजर है, कैसे एनरोलमेंट करें, और दूसरी बात, अगर CMA में एनरोल करना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट, हाउ टू एनरोल फॉर CMA कोर्स। अगर मुझे CMA कोर्स में एनरोल करना है तो कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये जो प्रोसीजर है, अगर हमें CMA कोर्स के लिए एनरोल करना है तो हमें ये दिया हुआ प्रोसीजर फॉलो करना होगा। कैंडिडेट्स कैन एनरोल फॉर द CMA कोर्स थ्रू ऑनलाइन मोड। हमें ऑनलाइन मोड से भी हम कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी ऑफलाइन और फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड फॉर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन इन द कोर्स। अगर हमें CMA कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन, तो हमें नीचे दी गई स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप है, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड क्लिक ऑन द CMA रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। CMA का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके हमें CMA रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे क्लिक करना है। यह है पहला स्टेप, यह है पहला जिसको बोलते हैं हम प्रोसीजर, आपको यहाँ पे करना है। क्या करना है, CMA का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाओ, और वहाँ पे एक टैब होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और CMA रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उस पर क्लिक करना है। ये है पहला स्टेप। स्टेप नंबर टू है, फिल इन ऑल द डिटेल्स रिक्वायर्ड एंड क्लिक ऑन द सेव एंड कंटिन्यू। जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वहाँ पर आपको फिल इन करना है, भरना है प्रॉपर तरीके से, करेक्ट तरीके से हमें वहाँ पर भरना है, और उस भरने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है, और उसके बाद कंटिन्यू बटन होगा, उस पर क्लिक करना है ताकि आप आगे जा सकोगे। उसके बाद थर्ड प्रोसीजर है, जो थर्ड स्टेप है, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड क्लिक सबमिट। आप उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसको आपको अपलोड करना है, वन बाय वन एक एक करके आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने होंगे, और उसके बाद हमें क्लिक करना है सबमिट बटन पे। चौथा स्टेप है, पे द कोर्स फीस थ्रू एंड ऑनलाइन पेमेंट मेथड। जो भी कोर्स का फी है वो भी आपको ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट उसका करना है। वहाँ पे फीस दिखाया जाएगा, आपका ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिखाया जाएगा, जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, व्हाटएवर इट इज़, उसको यूज़ करके, उसको क्लिक करके आपको अपना फीस भरना है। आपको फीस ऑनलाइन ही भरना है, याद रखिएगा। उसके बाद प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर यूज़। अगर पेमेंट आपको पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, सक्सेसफुल होने के बाद आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है उसका एक प्रिंट निकाल के रखना है, ताकि इस प्रिंट का आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो, और फ्यूचर एविडेंसेस के लिए आपके पास प्रिंट होना ज़रूरी है। पेमेंट करने के बाद प्रिंट लेना ना भूलिएगा एप्लीकेशन फॉर्म का।
ये था प्रोसीजर जो हमने देखा। ये पूरा प्रोसीजर हमें एनरोलमेंट के लिए फॉलो करना होता है और उसके बाद ही हम एनरोल कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर CA में रजिस्ट्रेशन। अगर CMA में मुझे रजिस्ट्रेशन करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, तो उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट आज हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, आपको ये लिख के रखना है और अदरवाइज़ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो पहला डॉक्यूमेंट है आपको आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना ज़रूरी है। आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका इमेज उस आपके पास होना ज़रूरी है, जिसकी ज़रूरत आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगेगी, जो आपको अपलोड करना है। उसके बाद स्पेसिमन सिग्नेचर, आपको जो भी स्पेसिमन सिग्नेचर है उसको भी आपको अपलोड वहाँ पे करना होता है, तो उसका भी आपके पास सॉफ्ट कॉपी में होना ज़रूरी होता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको सॉफ्ट कॉपी में लेके रखना है और एक वन बाय वन आपको उसको अपलोड करना ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे क्लास टेंथ का मार्कशीट, आपका जो भी क्लास टेंथ का मार्कशीट है और इक्विवेलेंट है वो भी आपके पास रहना, सॉफ्ट कॉपी में होना ज़रूरी है, जो आपको अपलोड करना है। उसके बाद क्लास ट्वेल्थ का मार्कशीट आपके पास सॉफ्ट कॉपी में होना ज़रूरी है, वो आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री एंड सर्टिफिकेट्स इफ़ अप्लीकेबल, अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है और आप ग्रेजुएशन के बेस पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री और जो भी सर्टिफिकेट्स है आपको सॉफ्ट कॉपी में रखना ज़रूरी है, ताकि आप उसको अपलोड कर सकोगे। उसके बाद अगर आपने फाइनल में और अगर आपने CA में इंटरमीडिएट पास किया है दोनों ग्रुप, तो आपके पास उसका भी सॉफ्ट कॉपी होना ज़रूरी है। और आपको ये सॉफ्ट कॉपीज जब आप फाइनल के लिए अप्लाई करोगे तो उसका अपलोड करना ज़रूरी होता है। तो ये है आपके डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ पे हमने देखा अगर हमें CMA कोर्स के लिए अपलोड CMA कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सॉफ्ट कॉपीज में अपलोड करना ज़रूरी होता है और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगते हैं। तो मुझे लगता है आपको इस वीडियो के दौरान जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया वो था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, बाद में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो है डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं CMA रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरा ये वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही में जो वीडियो आपने देखा है उसको आपके दोस्तों में आपके रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उनको भी कुछ मदद हो सके। तो ये था मेरा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपका कमेंट लिखना ना भूलिएगा, ताकि हम इस प्रकार के वीडियोस को और भी बेहतरीन बना सके। तो ये था आज का वीडियो रजिस्ट्रेशन के बारे में और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ आपको फ्यूचर में मिलती रहेंगी। और आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कुछ अलग बात और नई बात। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।